नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग हैप्पी होंगे। अगर नहीं होंगे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद में हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में थारा भाई क्रिएशन आपको इतनी जानकारी बताएगा कि आप लोग गेम में अपना भौकाल मचा सकते हो। और वो कैसे मचा सकते हो, रुको जरा सबर करो, अभी मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये देखो, 1 जून 2023 को स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी रिलीज होने वाली है। तो फ्री फायर ने स्पाइडरमैन के साथ कोलैबोरेशन भी कर लिया है। तो 2 जून को स्पाइडरमैन का इवेंट हमारे गेम में आने वाला है। तो उसका इवेंट पोस्टर भी निकल कर आ चुका है, ये देखो, जहां पर लिखा हुआ है गेट दिस इवेंट रिवॉर्ड्स फॉर फ्री, जिसमें स्पाइडर सेंस का ये वाला इमोट फ्री में मिलने वाला है। वाओ, पंक गिटार की ये वाली स्काईबोर्ड की स्किन फ्री में मिलने वाली है, पैरासूट की स्किन फ्री में मिलने वाली है, मुनी पेट की स्किन फ्री में मिलने वाली है, ये वाला बैकपैक फ्री में मिलने वाला है। अरे बाप रे, बहुत सारे रिवॉर्ड फ्री में मिलने वाले हैं। और ओबीफूटी अपडेट के रिवॉर्ड यहीं खत्म नहीं होते। 3 जून को हमारे गेम में अचीवमेंट का न्यू सिस्टम आने वाला है, जिस सिस्टम में 8000 पॉइंट कलेक्ट करने पर हम सभी को सन बाथिंग का ये वाला इमोट फ्री में मिलने वाला है। और ये वाला इमोट कितना कूल और ऑसम है यार, मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में इस टाइप का सन बाथ नहीं किया, लेकिन ये वाला इमोट हमको फ्री में मिल जाएगा ना, तब गेम में जरूर सन बाथिंग करेंगे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लवे सीरी सा लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सभी का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लवे सीरी सा लग रहा है, लेकिन टेंशन न लो, अभी और भी लगने वाला है। क्योंकि 1 जून को 9 बजे तरफ हमारा गोल्ड रॉयल में नया बंडल आने वाला है, डायमंड रॉयल में नया बंडल आने वाला है, और एफएफ टोकन एक्सचेंज स्टोर भी अपडेट होने वाला है, उसमें भी नया बंडल आएगा। तो जो नए नए बंडल आने वाले ना, सारे बंडल का रिव्यू मेरे पास आ चुका है, सारे बंडल को अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा बंडल कहाँ आने वाला है। तो ये वाला वीडियो बहुत ही झकास होने वाला है। वाह, क्या सीन है। एंड यार, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओबीफूटी अपडेट के बाद में किस गन को शक्तिशाली बना दिया गया है और किस गन को कमजोर बना दिया गया है। उसके पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है, कमेंट में ये बताइए कि आप लोग एसएमजी गन में से MP40, थॉमसन, बिजोन तीनों गन में से कौन सी गन का यूज सबसे ज्यादा करते हो। क्योंकि अपडेट के बाद में गरीना फ्री फायर ने इन तीनों गन को दाल रोटी खिला करके और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा बाहुबली कर दिया है। क्योंकि जो थॉमसन गन है ना, उसका डैमेज 4% बढ़ने वाला है, MP40 का डैमेज 8% बढ़ने वाला है, बिजोन गन का डैमेज 10% बढ़ने वाला है। इस टाइप से ये तीनों गन की पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा जिनकी एबिलिटी बढ़ा दी गई है वो है एक्समेंट गन की स्किन, बिकॉज इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो 15% बढ़ा दी जाने वाली है। इसके अलावा जिनकी पावर कम कर दी गई है वो है शॉटगन, क्योंकि जो शॉटगन है ना दो गोली वाली, उसमें रेंज 15% कम कर दिया गया है और रिलोड स्पीड 10% बढ़ा दी गई है। M1040 का भी वैसा ही है, रेंज 12% कम कर दी गई है, एक्यूरेसी 20% बढ़ा दी गई है, चार्ज बस्टर में रेंज 20% कम कर दी गई है, और मैगजीन 1 बढ़ा दी गई है, मतलब कि पहले 3 गोली रहती थी, अब 4 गोली रहेगी। तो अभी तक मैंने आपको जो जो गन बताया उनमें से कौन सी गन आपकी फेवरेट थी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। एंड यार, अब मैं आपको एक अमेजिंग और बहुत ही प्यारी चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ओबीफूटी अपडेट के बाद में एक ऐसा इमोट आने वाला है जो कि मेरे बचपन का प्यार या फिर बचपन की इच्छा बोल सकते वो थी, लेकिन अब वो गेम में जाकर के पूरी होगी। क्योंकि ओबीफूटी अपडेट के बाद में ये वाला इमोट आने वाला है, जिसमें जो हमारे फ्री फायर का कैरेक्टर है ना, ये छोटी वाली कार के ऊपर बैठेगा और इसको चलाएगा, और हम लोग इसको लिटरली चला भी पाएंगे गेम में। जैसे जॉयस्टिक का यूज करेंगे ना, तो जॉयस्टिक जिधर जिधर जाएगा ये वाली कार उधर उधर जाएगी। तो मेरी इच्छा थी बचपन में कि ये वाली कार के ऊपर बैठकर मैं चलाऊं, लेकिन मुझे मिली नहीं, शायद आप लोगों को मिली होगी। बाय द वे, ये वाला इमोट आने वाला है, आई होप आप सभी को ये जान के अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। बात तो सही है। एंड यार, अब आता है इस वीडियो का सबसे मजेदार वाला पार्ट, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मीम के पिटारे से एक और हैप्पी हैप्पी कर देने वाली मीम। चलिए शुरू करते हैं। कोई हमसे कहे, तुम्हारा फ्रेंड गेम में क्या करता है? खाली छोड़ी बटाता है, सब लोग खाली छोड़ी बटाता है, नहीं है कि नहीं है जितना। पर किस किस के फ्रेंड ऐसे हैं जो गेम में गेम खेलने नहीं जाते, सिर्फ छोरी बटाने जाते हैं। मतलब कि उनको गेम खेलने से मतलब नहीं है, उनको लड़कियों की लॉबी में खड़े रहने से मतलब है। अगर लड़की गेम खेलेगी, स्टार्ट करेगी तो करेंगे, वरना फिर बातें ही करते रहेंगे। तो अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसा होगा तो बेशक इस वीडियो की लिंक उसको सेंड करो और बोलो देखो तू खाली छोरी बटाता है। तो आई होप आप सभी को वाली मीम अच्छी लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी। तो वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ी, तो यार देखिए यार वीडियो कितना ही अमेजिंग है। फिर भी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे ना, तो भाई बहुत बड़ा वाला गुनाह कर रहे हो यार। तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से नीचे जाओ, होले होले लाइक कर दो और गुनाह करने से बच जाओ। सिंपल सा, 1 से 2 सेकंड लगता लाइक करने में। और अगर चैनल पर नए होंगे तो ऐसी अमेजिंग और प्यारी सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए देख मजा आएगा।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक खतरनाक इवेंट के बारे में, क्योंकि ओबी 40 अपडेट के बाद में 6th एनिवर्सरी का इवेंट आने वाला है। और फ्री फायर अभी तक जितनी भी 5 एनिवर्सरी हुई है, हर एक एनिवर्सरी को बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाता है। तो ये जो 6th एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है ना, उसकी जो लॉबी रहेगी गेम में वो कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। और 6th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान बरमुडा मैप में या फिर जितने भी मैप है वहां पर हम लोगों को इस टाइप का एक मैजिक क्यूब देखने मिलेगा। जैसे मैजिक क्यूब के पास में हम लोग जाएंगे, हम लोगों को एक यूज का बटन देखने मिलेगा। जैसे यूज के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा, हम लोगों को इस वाले मैजिक क्यूब से गेम की लूट मिलेगी, टोकन मिलेगी और साथ ही में कैरेक्टर की एबिलिटी वगैरह भी मिलेगी। और टोकन जो मिलेगी ना, उसको एक्सचेंज करने पर हम लोगों को बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेंगे। और 6th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल, हम लोगों को ऊपर कॉर्नर पर देखो एफएफ कॉइन के बाजू में 6 लिखा हुआ है। तो हम लोग जैसे ही मैप में नीचे लैंड करेंगे, तो लैंड करने के 6 मिनट बाद तक हम लोग रिवाइव हो पाएंगे। तो रिवाइव होने के लिए जो प्लेन के ऊपर फ्लोटिंग रिवाइवल पॉइंट दिख रहा है ना, हम लोग यहां पर चल जाएंगे। हम लोगों को मिशन कंप्लीट करना रहेगा। तो मिशन कैसे कंप्लीट करना है, मैंने ये वाले अपने सेकंड चैनल के वीडियो में बता दिया है। और इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होने वाली है। अगर इस वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेना। बाकी वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, तो 6th एनिवर्सरी का इवेंट बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाने वाला है। तो जैसे इवेंट का पीक डे मुझे पता चलेगा, फ्री रिवार्ड पता चलेंगे, तो 1 जून को पता चल जाएगा, मैं आपको 1 जून को बता दूंगा। और हाँ यार, अब ये देखो, अपडेट के बाद में गरीना फ्री फायर सेलो वाटर एरिया ऑप्टिमाइजेशन करने वाला है। इसका मतलब क्या है आपको पता है, अपडेट के बाद में जहां पर भी गेम में हल्का फुल्का पानी रहेगा और वहां पर अगर हम लोग दौड़ेंगे तो हमारी दौड़ने की स्पीड कम नहीं होने वाली। ओबी 39 अपडेट में क्या था, हम लोग दौड़ते थे तो हम लोग स्लो भागते थे, लेकिन ओबी 40 अपडेट के बाद में हम लोग सेलो वाटर में उतना ही तेजी से भाग पाएंगे जितना कि जमीन पर भागते थे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि गरीना फ्री फायर पानी में तेज भागने वाली अपडेट क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ये देखो, अपडेट के बाद में रिम विलेज क्लिस स्क्वाड मोड में आने वाला है, कैजुअल और रैंक मोड दोनों में आएगा। अगर मान लो मैं सीएस रैंक गेम खेल रहा हूँ, सीएस रैंक गेम में ये वाली लोकेशन आ जाती है और मैं पानी में भाग रहा हूँ, तो अगर इनिमी ने मुझे देख लिया, अगर मैं स्लो भागते रहूंगा तो इनिमी मुझे इजीली मार देगा। इसलिए गरीना फ्री फायर पानी में तेज भागने वाली अपडेट कर रही है। और दूसरी अपडेट ये भी है कि हम लोग जैसे पानी में पहले नॉकडाउन हो जाते थे तो तुरंत इलिमिनेट हो जाते थे, लेकिन अपडेट के बाद में तुरंत इमीडिएटली इलिमिनेट नहीं होंगे, हम लोग नॉकडाउन वगैरह होंगे ताकि हमारा दोस्त भी हमको रिवाइव दे पाएगा। तो इस टाइप से रिमना विलेज सीएस रैंक में आने वाला है। और पहले रिमना विलेज कुछ इस टाइप से दिखता था, लेकिन अपडेट के बाद में कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो और भी मजा आने वाला है। तो इस टाइप से अपडेट थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 2 seconds later. तो यार, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1 जून को 9 बजे तरफ गोल्ड रॉयल, डायमंड रॉयल और एफएफ टोकन को एक्सचेंज करने पर नए बंडल ऐड होने वाले हैं। तो चलिए आइए, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बंडल आने वाले हैं। तो यार, ये वाला जो बंडल देख रहे हो ना, ये पॉप होस्ट बंडल का फीमेल वाला वर्जन है। ये वाला बंडल ब्राजील के सर्वर के लिए गोल्ड रॉयल में कन्फर्म हो चुका है। तो हमारे इंडियन सर्वर के लिए अभी तक कोई भी बंडल कन्फर्म नहीं हुआ, तो इस वाले बंडल को आप लोग 90% कन्फर्म समझ सकते हो। बाकी 10% जो बंडल आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आप लोग ये जो फीमेल के बंडल देख रहे हो ना, इन फीमेल के बंडल में से कोई एक बंडल हमारे इंडियन सर्वर पर आ सकता है, क्योंकि गोल्ड रॉयल पर फीमेल का बंडल ही आने वाला है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, ये वाली गरीना फ्री फायर की प्रथा है कि एक ओबी अपडेट में फीमेल का बंडल देता है तो अगले में मेल का देगा। सो इस बार मेल का दिया है, तो आने वाले अपडेट में, मतलब ये जो आ रहा है, इसमें हमको फीमेल का बंडल देगा। और जो बंडल गोल्ड रॉयल में आता है, उसका अपोजिट वाला जो जेंडर है, वो हमारे एफएफ टोकन को एक्सचेंज करने पर आता है। तो अगर गोल्ड रॉयल में फीमेल का बंडल आएगा तो एफएफ टोकन को एक्सचेंज करने पर मेल का बंडल आएगा। तो जो मेल के बंडल की लीक्स निकल कर आई है ना, वो ये वाले बंडल है। अभी 100% कन्फर्म पता नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद में 100% कन्फर्म पता चल जाएगा। बाकी इनमें से कोई एक बंडल डायमंड रॉयल में भी आने वाला है। सो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो ओबी 40 अपडेट आ रहा है, इनमें कैसे कैसे बंडल आने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यार आइए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइडरमैन इवेंट के बारे में। तो 3 जून को ये वाला इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, कितने सारे रिवार्ड फ्री में मिलने वाले हैं, इसका पोस्टर भी निकल कर आ चुका है। इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो इस ओबी अपडेट में हमको 2 इमोट शुरू में ही मिलने वाले हैं। पहला स्पाइडरमैन सेंस का ये वाला इमोट हम लोगों को फ्री में मिल जाएगा। दूसरा सन बाथिंग का ये वाला इमोट हम लोगों को अचीवमेंट वाले सिस्टम से मिलने वाला है। और ये तो गरीना फ्री फायर ने गेम में इवेंट देकर के कंफर्म भी कर दिया। तो आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यार मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।